हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करना। सबसे पहले हम आस्तीन के अंदर जो कपड़ा फोल्ड करेंगे तुरपाई वाला, उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम आगे के टैक्स भर लेंगे चारों। आधा आधा इंच अंदर की साइड कपड़ा दबाते हुए जैसे बेल्ट कटिंग किया था सेम उसी तरीके से हम ज्वाइंट भी करेंगे। हमारा बेल्ट दोनों साइड ज्वाइंट हो चुका है। उसके बाद हम पीछे वाले हिस्से में इस तरीके से टैक्स भर लेंगे जो कि हमने निशान लगा रखे हैं पहले से। उसके बाद हम पीछे की साइड पर जो तुरपाई करनी है हमें वो पट्टी लगाएंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और इसको डबल फोल्ड करके फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई इसके ऊपर हम और लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा हमारी पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इस तरीके से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे जो कि हम तुरपाई के बाद उसको निकाल देंगे। देखिए अब आता है मेन पॉइंट कि कंधे क्यों गिरते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से अंदर गले की साइड इतना सा कट लगाएंगे और इसी के अनुसार हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। देखिए हमने ब्लाउज को फर्स्ट टाइम उल्टा रखा है और उसके ऊपर हमने आगे वाले हिस्से को भी इसी प्रकार से सीधा रखा है। इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग कर देंगे, फिर हम इसको एक बार वापस पलट के सिलाई लगाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और इस प्रकार से हम इसको उल्टा पलट कर फिर सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ब्लाउज उल्टा है।
उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले बाजू को अटैच करेंगे सेंटर पार्ट को मिलाते हुए। इसके बाद हम ब्लाउज को सीधा करके इस तरीके से बाजू की साइड से एक सिलाई लगाएंगे बाहर की साइड। सेम उसी प्रकार हम दूसरी साइड भी ब्लाउज को सीधा रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम ब्लाउज को इस तरीके से पकड़ेंगे आगे की पट्टी को दोनों साइड से और ऐसे एक नीचे की साइड कट लगा देंगे जितनी पट्टी हमें अंदर की साइड फोल्ड करनी है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो कि आगे के हिस्से पर है। उसके बाद हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और एक सिलाई से इस तरीके से हम यहाँ से साइड से कपड़ा दबा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इस वक्त आप फिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिटिंग आगे की पट्टी लगाने के बाद करूँगी। अब हम अपने उल्टे हाथ की साइड 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इस तरीके से ब्लाउज सीधा रख के उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैं यहाँ पर एक पंजे की सिलाई देते हुए इसको अटैच कर दूँगी। अब हम इस पट्टी को मोड़ कर यहाँ पर एक बारीक सिलाई में लगा दूंगी ताकि हमारे हुक लगने के बाद पट्टी खिसके ना। ये देखिए हमारी पट्टी लगकर रेडी है। अब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको हम नीचे पट्टी रखकर ऊपर सीधा ब्लाउज रखेंगे। गले की साइड से इसको हम लगाएंगे और नीचे तक एक सिलाई लेकर आएंगे।
नीचे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से रखना है, ज़्यादा जैसे मैंने रख रखा है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए एक बार फोल्ड किया पट्टी को और ये 2 बार, जहाँ से हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम इस पट्टी को फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई मैंने और लगाई है एक पंजे का गैप देकर यहाँ पर। अब हम पट्टी को पट्टी के ऊपर रखकर देखिए इस तरीके से नापेंगे कि हमारी पट्टी दोनों एक साथ एक बराबर है। अगर छोटी बड़ी हो गले की साइड तो हम उसको काट देंगे। उसके बाद जो हमने क्रॉस पट्टी काट रखी है 1 इंच की, उनको सबको ज्वाइंट कर लेंगे गले में फिनिशिंग देने के लिए। उसके बाद हम देखिए ब्लाउज को सीधा रखेंगे और आधा इंच पट्टी को बाहर निकालते हुए हम इस पट्टी को इसके ऊपर डबल रखा है मैंने इस पट्टी को, और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई लगाएंगे और जब हमारे शोल्डर के नज़दीक आए, वैसे तो पूरी पट्टी को ही हल्का सा खींच के लगाना है, लेकिन जब शोल्डर के पास में पट्टी आए तो आपको हल्का सा ज़्यादा खींचना है। आप पट्टी को थोड़ा खींच के लगाएंगे तो आपके शोल्डर गिरने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हल्का सा हमने शोल्डर पर कट भी लगाया था जो हमने पहले ही बता दिया था। इन्हीं दो कारणों से आपका शोल्डर जो है नहीं गिरेगा। उसके बाद हम देखिए पट्टी को जो आधा इंच एक्स्ट्रा निकाली थी उसको इस तरीके से अंदर दबा देंगे और इस तरीके से हम पतली सी पाइपिंग को बाहर निकालते हुए बिल्कुल हम पाइपिंग के और ब्लाउज के कपड़े के बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। हमारी पाइपिंग जो है लग के रेडी हो चुकी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और फिटिंग का निशान जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम 2 दिन लगाएंगे अंदर की साइड की, जब भी हमें ब्लाउज को लूज करना हो तो सिलाई खोल सके और आराम से लूज हो जाए। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा दूंगी। इसमें हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। देखिए अब मैं इसमें हुक आई के निशान लगा देती हूँ। मैं जिस साइड हुक लगेंगे उस पट्टी को सीधा करूँगी इस तरीके से, और जिस पर आई बननी है उसको इस तरीके से रखूँगी। मैं यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर 7 हुक लगाऊँगी, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आर्म होल्स में झोल क्यों आता है। देखिए अगर आपने ये वाली पट्टी ज़्यादा कट कर दी है, ज़्यादा चौड़ी, और यहाँ से ये जो निशान है, अगर इस ये जो सिलाई है हमने ये कर रखी है, अगर यहाँ पर आपने कम कटिंग किया है इसको, तब भी आपके क्या है यहाँ पर झोल आएगा। मेन पॉइंट है गले की कटिंग का। गले की कटिंग करते टाइम देखिए आप क्या करते हैं, अगर ऊपर से ज़्यादा कम ले लेते हैं गला और नीचे से ज़्यादा चौड़ा ले लेते हैं
तब भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि देखिए ऊपर से अगर गला कम है तो जब आप ब्लाउज को पहनेंगे तो ये इस तरीके से फैलेगा। इस तरीके से फैलने के कारण फिर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से आपके कपड़ा इकट्ठा होने लग जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।